पीछे मिसेज हैं या बहन है? बहन है बाजी, आपने मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये आपके भाई अगर आप इनसे प्यार करती है ना तो जब ये घर से चाबी उठाने लगे ना आप इन्हें हेलमेट दें। जरूर आते आज फर्स्ट टाइम नहीं लेके आए बाजी, आप थोड़ा सा नहीं लेके आते हैं, हर दफा लेके जाते हैं। ठीक है शाबाज, खैर ना जाओ है। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। ओए होए 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 होए, ये क्या है जी? वकील साहब को पकड़े यार, वकील साहब को पकड़े, इधर देखे ये कितना मजेदार है। भाईजान सलाम अलैकुम, कितने चले हो यार? जाने दो भाई, और चले कितने हो ना, कुछ कहना बात करें तो जैसे करते हैं आप, मुझ पा के बात कर ले, कर ले बस, कोई मसला नहीं, मुझे आपका चेहरा नहीं दिखाना। ये अच्छी बात है कि नहीं एहसास हो रहा है, ये एक ज्यादा अच्छी बात है। ओए बड़ा तेज आदमी है, कोई एहसास नहीं है ये किस चीज का एहसास है कि नहीं नहीं आप पकड़े गए या कैमरे के सामने आके तो एहसास हो गया यार? एहसास आपको घर से निकलते वक्त होना चाहिए, एहसास आप अपनी जान का नहीं कर सकते तो फिर किस चीज़? आज बड़े जलाली हुए हैं बच्चे, बच्चे इनसे ये कोई एहसास नहीं है ये अपनी क्या? अच्छा बात सुने, क्या है इन बोरों में मालिक घर जा रहा है, कुछ चरस तो नहीं सप्लाई कर दे वो को ध्यान करो। सॉरी यार नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। क्या ये नहीं होंगे साथ? इंशाल्लाह ये नहीं होंगे। क्या कैसे आएंगे? जैसे मोटरसाइकिल पे आएंगे तो कैसे आएंगे आप? क्या आप ड्रेस डिजाइनर है? नहीं बोल, मैं कपड़े प्यारे पहने हुए हैं। चेहरा दिखा दे इसमें, कोई नहीं यार, खैर नहीं छुपाने दे चेहरा, छुपे रहेगा। बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, ये जिस कौम से हम लोग ताल्लुक रखते हैं ना, या मैं जिस कौम का वासी हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो देखिएगा जरा, हेलमेट हाथ पे लगा के चलाना ये भी एक अलग टॉपिक। तो ये फन है ना हमारे पास, हम चलती मोटरसाइकिल पे मोबाइल सुन लेते हैं, एक हाथ से हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चैट कर रहे होते हैं मोबाइल पे, मोबाइल गाड़ी में बैठे चैट कर रहे होते हैं, बड़ी बात नहीं। देखें इस कौम को, अच्छा मुझे बताएं कि ये कितने पैसे में चिंगची पे चला जाना था सामान? चिंगची नहीं जाता, कहाँ जाना था? मैंने चुंगी अमर सिद्धू जाना। मैं सदके जावा लंबे भाव ले आप अपने साथ ज्यादा ना करें प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सो सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम हीरो जी, क्या हाल है? अच्छा ठीक है जी, वो बात नहीं करना चाह रहे, कोई बात। अच्छा जी ये देखे पीछे बाजी, कितने चले हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्हे जी कितने चले हो? घर जा रहे हैं। वो अपने घर चले हो ना? अच्छा तो कहाँ गए वो सारे? डीएसपी साहब को बुलाए यार, शहजाद साहब किधर है यार आप? आइए जरा ये देखें सूरत हाल, देखें बाजी भी है, गुड़िया प्यारी सी, ये गुड़िया, ये मैं बस इनके लिए यही कहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं, तो आइंदा से जो है हेलमेट का भी इस्तेमाल करें। इन्हें सवारियाँ, और मैं अब वही बात करने लगा था कि एक बाइक के नहीं, मेरी बहन मेरी बात क्या, क्या? गाड़ी दे दें आप, गाड़ी दो यार, बहन मेरी बात, अपनी गाड़ी दे दो सरकारी, मेरी बात रूटर वाली दो। ये इस तरह से है मैन, मेरी बात ये है कि बाइक पे आप तुसी इस तरह करो ना, कूलर पकड़ के पीछे बैठो, डेंजरस हो जाएगी, और ये अपनी आपकी अपनी जान के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपके अपने लिए खतरा है, एक दूसरा आप बच्चों को भी साथ देके बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी फारूक साहब हेलमेट का भी इस्तेमाल करें और इस तरह से कभी ना बैठे प्लीज। ये फारूक साहब ये क्या सूरत हाल है? नहीं जी ये हमारी बहन है और ये हमारी बेटी है, उड़ गए हमें गाड़ी दे दें यार, नहीं नहीं ये गाड़ी मुकाओ आप, जब बाजी बाजी मुझे सुनिएगा, हम रोजाना यहाँ से रोड के ऊपर से कई कई डेड बॉडीज होती है जो मिलती है, तो आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें प्लीज, ठीक है मेरी बाजी, बहुत शुक्रिया आपका, और पीछे से ध्यान से बैठिए आप, कूलर ना सूट लो अपना। अच्छा कौन है, किधर है सर? सलाम अलैकुम सर, आप ठीक हैं? खैरियत से? हेलमेट उलमेट पहन लिया करें यार, हैं पहनते हैं लेकिन गर्मी लगता है, गर्मी की वजह, और सर्दियों में सर्दी लगता है, सर्दियों में पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियों में पहनते हैं, सर्दी से बचने के लिए पहनता है, हाँ जी गर्मियों में नहीं पहन सकते। क्या वजह? सोने हेलमेट आपकी तंदुरुस्ती के लिए नहीं, हिफाजत के लिए जरूरी है, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डीएसपी साहब बड़े खतरनाक इंसान है, इनसे क्यों नहीं डरते आप? जी एक बात बताऊं छोटे भाई, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब आइंदा से आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, आप बंद हो जाएंगे, तो मेहरबानी करें अपने लिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें प्लीज, ठीक है? ठीक है बहुत शुक्रिया। ऐनक वाले बाबू किधर जा रहे हो? ओ चन कितने चले हैं? जिधर जगह चन माई कितने नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अजान सुन ली थी नमाज पढ़ने है? नहीं इरादा पहले असर दी पड़ी सी हो? बिल्कुल जोर दी पड़ी सी? बिल्कुल। जुमा किदन सी? आज ईशा की कितनी रकातें होती हैं? 17 नमाज पढ़ता है भाई, वेरी गुड। ओ हेलमेट किने पाना है? इधर आए इधर, अफसर अफसर साहब आने इधर आए, शहजाद साहब आप भी आए, जमील साहब हैं,
जमाल साहब है, जमील साहब, जमील साहब पूछे यार इनसे क्यों नहीं हेलमेट। वो शहजाद साहब बेचारे बता बता लोगों को थक चुके हैं, सारा दिन यही ड्यूटी करते हैं लोगों को बताने वाली। और ये फारूक साहब भी आज उनको भी तकलीफ दी है कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और आवाम को बताएं। हाईकोर्ट के बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं, इम्प्लीमेंट ना किया तो आपको शहजाद साहब नजर नहीं आएंगे। ये कहाँ होंगे ये मुझे नहीं पता। अगर इम्प्लीमेंट अब ना हुआ सर, इसको तो छोड़े, ये ले, ये ले, ये 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 देखें। मैं सदके, मैं कुर्बान। अच्छा मैं समझता हूँ कि मैं जिस कौम का नुमाइंदा हूँ ना, ये कौम को किसी शऊर की, किसी आगाही की इनको कतई जरूरत नहीं। इनसे पूछ रहे हैं 5,000 मलिक, आप इतने फलसफी ना हो। इनसे पूछे 5,000 का नोट कैसा है, ये आपको उसका रंग बताएंगे। इनसे 1,000 के नोट का, 500 के नोट का, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के रंग का पता है। तो क्या इनको ये नहीं पता क्या हेलमेट सर पे पहनना है? इस कौम का सिर्फ एक इलाज है, इनको भारी भरकम जुर्माने करें जैसे फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, फिर ये कानून की अमल दरामदी होगी, फिर कानून की पासदारी होगी। बकरना आप यहाँ एक कितना भारी जुर्माना आप कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है? 200 रुपया, 200, ओनली 200 या 300, बस इससे ज्यादा नहीं है। इन्हें मैक्सिमम जुर्माना कितना हो सकता है? जैसे हेलमेट का वैसे तो जो है 200 रुपए है। और आज मलिक साहब कह रहे हैं आप 302 क्यों नहीं देते हेलमेट ना पहनने पे? नहीं मैंने कोई चीज देखें, ये वो चीजें हैं जो जिसमें हम लोगों ने अपने तौर पे कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें ये भी है, ये कुछ नहीं कर सकते इस पे ना डांटे ज्यादा, कह रहे हैं ना काम कर रहे हैं। डांट नहीं भाई जी साहब, डांट नहीं, मैं वो हम लोगों ने पाइपलाइन CTO साहब वो कर रहे हैं ना, क्या मसला है? जुर्माने की जो रेशियो है वो बढ़ेगी। मेरी बात सुने, अभी आप बढ़ेगी, अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेन कंट्री में 120 की रफ्तार पे $1,000, 220 पे, 140 पे $2,000। और भाई यहाँ पे 200 रुपया जुर्माना करना पर जुर्माना, ले पे हेलमेट मैं नहीं हूँ पाना। या फिर एक और टिपिकल जुमला है, और तू मैनू जानता नहीं मैं कौन है, ले कर फोन देते। और यार ये गलत है, इस कौम को भारी भरकम, भारी भरकम, देखें मैं इस चीज पे हैरान हूँ, इसको भारी भरकम जुर्माने करें तब ये कौम को शऊर आएगा। वैसे इनको शऊर नहीं आएगा, इनको पता है रोटी मुंह से खानी है, कान से नहीं खानी, या ये सब चीजों का शऊर है। बेचारे ने तो पूछ लिया मेरी बात को गलत। मेरा मिठा, मेरा सोना, की हाल है? नहीं मैं कोड़ा ही हूं। क्या नाम है आपका? पहला तो हमारा ट्रैफिक का निजाम ही ठीक नहीं है ना, इसको मैनेज करने वाले लोग ठीक। उत्तर तू अपना जवाब देना है कि तू हेलमेट क्यों नहीं पाया। मैं हेलमेट इसलिए नहीं पाया कि मेनू सांस की प्रॉब्लम है और मैं जान लगे नहीं पाता, हबस होती है। बाकी इसका क्या जवाब है? मेडिकल ग्राउंड्स पे ड्यूटी पे आता हूँ तो मैं पहन के आता हूँ। मुझे पता क्या लगता है, आप सबने रो के इसे कहना है पगले रुलाएगा क्या? 500 रुपया पल्ले पा के कहना है भाई जान छट दे साड़ी। डबल टू है, हम इसको उस पर बिठा के भेज देंगे। अगर सांस की प्रॉब्लम है तो छट गड्डी यार, लेके जाओ इन्हें, ले जाओ बुलाओ, वो नहीं जा सकता। देखें सुने 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 मेरी यार, आप नहीं भाई, देखें इसका प्रॉब्लम है यार, मैं आपको आप जा ही नहीं सकते यार, सांस का प्रॉब्लम। जितनी धूमधड़क गाड़ी साइड पे लगाए आप डिबेट कर रहे हैं ना, आप हमारे भाई हैं, इतनी से 5% ज्यादा आप कोशिश कर लें। जो अस्थमा का पेशेंट होता है ना वो इस इतनी दिल जमी से और यहाँ खड़े होके देखें, बात समझे, एक जरा पहले बात सुन लें आप सर, तुझे एम्बुलेंस मुकाओ, ये एयर एम्बुलेंस मुका लो, आपके लिए है ये हेलमेट, आपके लिए हेलीकॉप्टर है, आप यकीन करें नहीं, अभी हेलीकॉप्टर नहीं है, आप यकीन करें, आप बात समझे, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, एवं बहस बराए बहस नहीं करें। आप जब घर से निकले आप हेलमेट पहने, ये आपकी जान के लिए जरूरी है। आप हमें बहुत प्यारे हैं, आपने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, अब हम अभी जैसे भी चला रहे हैं तो मेहरबानी फरमाएं जब घर से निकलें इसको पकड़ें और आप किसी और के सर पे पहना लें, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है उसको कुछ होता नहीं है। पीके का हेलमेट लग रहा है, पीके का, इससे हटके आप ये पीके हैं, इसके ऊपर स्टैप नहीं है जी। मैं शहजाद साहब के नॉलेज में भी ये बात लाता हूँ, कई दफा एक्सीडेंट होता है, हेलमेट गिर के नीचे पड़ जाता है और सर पे वैसे जोड़ लगती है, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा सर ठीक है, आप अच्छी बात, ये आपकी जान के लिए है, आपकी जान हमें इतनी ही अजीज है जितने आप हमें अजीज है, आप हैं तो हम हैं, ये जेन में रखें। ठीक है आईजी साहब, मैंने कह दिया आप रखते हैं आपकी खिदमत पे हमें। हाँ जी कुछ कह रहे हैं जी, रोड पे कल जज साहब ने कहा कोई हेलमेट बगैर नहीं चलेगा, इस्तेमाल होना चाहिए। आप करते हैं जी हेलमेट नंबर दो, उन्होंने ये कहा है कि मार रोड पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, कल आडे पास किए उन्होंने, कल उन्होंने आडे पास किए। ठीक है सर,
बहुत शुक्रिया। मेरा अगर बस चलता तो आपको मैं एयर एम्बुलेंस पे घर भेजता, लेकिन मैं सॉरी। ठीक हो गया जी, ये सूरत हाल दिखाएं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं, पीछे सूरत हाल दिखाएं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? नौजवान किधर जा रहे हो? बस सर अभी यूनिवर्सिटी से फ्री होके आए थे। तो नौजवान हेलमेट किधर है? सर हेलमेट अभी किसी ने पहना जो हम मतलब नौजवान तुमने अपनी सर हिफाजत करनी है? वैसे नहीं पहना, लेकिन इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है तो हम इंशाल्लाह जरूर पहनेंगे। वैसे नहीं पहनेंगे? नहीं, आप इतने प्यारे नौजवान हैं यार, आप क्यों नहीं खुद पहनेंगे? अल्लाह माफ करे खंबे जी, वजह कितना बुरा लगेगा। तो अपने लिए शर्ट पहनी है, इतनी अच्छी ब्रांड की पैंट पहनी है, तो आप हेलमेट भी जरूर पहने। अल्लाह आपको सेहत दे यार, ये बड़ी जरूरी चीज है। सर जरूर, आप सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा खंबे जी नहीं बजना, मेरा बच्चा है घर जाना, सीधा अपने घर जाना है, ध्यान ना। शाबाश, आप किधर जा रहे हैं? साथ ही जा रहा हूँ। शाबाश है। हाँ हाँ की और यार क्या समझते हैं आपको, क्यों हाँ मुझे ये बताओ क्यों रोका है तुम्हें? खूबसूरत ज्यादा हो इस वजह से रोका है? हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। हैं? हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। चैटिंग कर रहे थे ना? नहीं नहीं। हाँ बातें कर रहे थे वो। ये इनबॉक्स में मैसेज आया है। अच्छा महबूबा से राबते, महबूबा आपके कदमों में, किससे चैट चल रही है? किससे चैट चल रही है? भाभी कौन है भाई? कोई भाभी भी नहीं अभी। हाँ रंग खेल रहे हैं भाभी? नहीं खेल रहे, रंग खेड़ रहा है भाई। और देखो चलती मोटरसाइकिल पे खेल रहा है। कैसा कैसे टाइप कर ले, टाइप हो जाता है वैसे चलती मोटरसाइकिल? नहीं टाइप नहीं कर रहा, मैं कॉल पे कर रहा था। सिर्फ सुन पढ़ रहे थे? हाँ जी। मैं कहा नहीं जानू अपनी सेहत का ख्याल रखना, जानू पाओ खंभे बजा हुए वो चक्कर से। जानू मेहरबानी कर यार जानू। अच्छा सूफी साहब सलाम अलैकुम, की हाल है? शुक्र अल्लाह। कितने चले हो? मैं कार जा रहा हूं। जाओ 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 शाबाश, जाओ जाओ जाओ। सर जी जिन्हें हेलमेट ना पाया हो ना, कम से कम 2000 जुर्माना होना चाहिए सर। और एक शीशा ना हो, जिदे इंडिकेटर नवी गड्डिया नहीं होंगे सर, वो समझो वन व्हीलिंग करते, उन्होंने तो लाजमी फड़ना चाहिए सर। शहजाद साहब इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं होंगे सर। साहब ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं जी, मेरे अफसर किधर गए दोनों बड़े बड़े अफसर? एसपी साहब ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आप भी सुने और इनका रिस्पॉन्ड करें। ज्यादा ना इंडिकेटर कहते नहीं लगे, उन्होंने इंडिकेटर ही नहीं होंगे सर, वो लाजमी सर वन व्हीलिंग करते हैं सर। हाँ उन्होंने बड़ा जरूरी सर फड़ना है, लेकिन फड़ना। शहजाद साहब आपको नया केस दिखाएं, आए फारूक साहब आप भी आए। बैठे रहे यार बैठे रहे, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम यार, चार बंदे किस तरह बैठे हो? चार नहीं तीन है, सामान नहीं चार है, सामान चार ही है ना यार। क्या है यूपीएस है? क्या है यूपीएस का सामान? यूपीएस कहाँ जाना है? यहाँ पे जाना। इसने बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था, बाकी दो बंदों को सेव करने बैठ के दिखाएं यार, उसी तरह आपको कुछ नहीं कहेंगे, उसी तरह बैठ के दिखाएं। हेलमेट पहना हुआ आप पहने 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 अभी निकले, कुछ नहीं होता हमें, तुम हमने तुम्हें पकड़ना नहीं है, कोई मसला। पूरे कैसे आते हैं जरा बैठे तो सही। हाँ भाई बैठो यार बैठो, उसी तरह बैठो, आप हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। ये बहुत अच्छा बच्चा, कैसा कैसा ये है हमारी हमारा मजमुई रवैया, मजमुई रवैया। बेटा क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजैन? शाहजेब। शाहजेब साहब तो शाहजेब पढ़ते हैं आप? नहीं मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल का। तो बेटा तीनों कितने चले हो? यूपीएस लान? नहीं वापस जा रहे। किसी से चोरी कर? नहीं। कितने चले हो फिर? मरीद के ऐस गड्डी थे आप किधर जा रहे हैं? हम दोनों साथ। आप दोनों साथ हैं और ये उधर जाएगा? मैं उतर जाऊँ। तो आप मरीद के इसी तरह चले जाएंगे? हाँ जी। तो बेटा हेलमेट वगैरह नहीं पहनते? नहीं हेलमेट लेके जाएंगे ना, हेलमेट हमारे पास है। तो वो इधर से निकले है ना, एक शीशा भी लगा होता पीछे देखने वाला, वो कितने है? वो खुद ही देख लिया। जादूगर और जादूगर इंसान क्या क्या खुद कर लेता है, तीन बंदे भी बिठा लेता है आप हेलमेट के बगैर, और इधर बैक व्यू मिरर भी नहीं होगा है, क्या ये सूरत हाल है? और ये सड़क पे खड़े हुए इस वक्त भी 99% लोगों ने हेलमेट्स नहीं पहने, किसी कोई एसओपी का जो है वो उसे फॉलो नहीं किया जा रहा, और बैक मिरर्स नहीं है, बाइक के इंडिकेटर्स नहीं है, ये जिग जैग चलते रहते हैं, हिट होते हैं और उस लेन में चलते हैं जो फर्स्ट लेन है, जो स्पीड लेन है जिसमें नहीं चलना चाहिए। इन्हें किस लेन में होना चाहिए? इन्हें सबसे एक्सट्रीम जो दूसरी लाइन लेन है उसमें होना चाहिए, फर्स्ट लेन में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेन आपकी स्पीडी व्हीकल के लिए है, जब आप वहां आएंगे तो फंसेंगे। लाहौर के अंदर रहते हुए सबसे बेहतरीन बात है कि आप 40 से ऊपर स्पीड करें ही ना, दैट्स इट। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बाद अगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मार रोड समेत लाहौर में हेलमेट को यकीनी ना बनाया गया और इनकी एसओपीज का ख्याल ना रखा गया, तो मुझे अंदेशा है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाइयां ना शुरू हो जाएं,
और ट्रैफिक के आला अहदेदारान जो हैं वो खतरे में फिर होंगे, वो रेड जोन में चले जाएंगे। घर में कोई और पहुंचता है हमारी सूरत, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।